हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा निटिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आज का स्वेटर डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को हम गर्ल्स स्वेटर, गर्ल्स टॉप, लेडीज़ कार्डिगन, बेबी गर्ल्स स्वेटर के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। गर्ल्स के ये स्वेटर, ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। गर्ल्स स्वेटर में बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन फ्रेंड्स। बनाना भी ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है बनाने में भी। और ये डिज़ाइन 6 रोज़ का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को हम 10 के मल्टीपल में बनाते हैं और 8 फंदे एक्स्ट्रा रखते हैं डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। चलिए तो फ्रेंड्स, यह डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं ये डिज़ाइन 18 स्टिचेस में डालकर दिखा रही हूँ। और ये डिज़ाइन हम बैक साइड से शुरू करेंगे। मैंने फर्स्ट रो निकाल ली है, एक सीधी सीधी। आप जो बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो हम ये पैटर्न बैक साइड से ही स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और बैक साइड भी हम इसकी सीधी बुनेंगे। ऐसे सीधा सीधा ही बुनना है, बैक साइड में सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुनकर कंप्लीट करेंगे। सीधा सीधा ही बुना जाएगा बैक साइड से सारा। सारे स्टिचेस फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है बैक साइड से। अब सेकंड रो है ये हम राइट साइड से भी सीधा बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना, धागा पीछे, सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुनेंगे। मैं आपको बुन करके कंप्लीट करके दिखाऊंगी। बैक साइड है, ये साइड भी हम पूरी उल्टी उल्टी सीधी सीधी ही बुनकर कंप्लीट करेंगे। हमने बैक साइड की रोज भी पूरी सीधी सीधी ही बुननी है। सीधी सीधी बुन करके कंप्लीट करनी है। सीधा सीधा बुनना है बस, और कुछ नहीं। 4 रोज हमें सीधे सीधे और सीधे सीधे ही की बनानी है, राइट साइड से भी और बैक साइड से भी। फ्रंट और बैक दोनों से 4 रोज हमने जैसे ये सीधी सीधी बना ली है। 1 और 2, ये 2 लाइनें बन गई तो समझो 4 रोज हो चुकी है हमारी। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब हम 6ठा फंदा सीधा बनाया उस पर हम एक लपेट लगाएंगे सिलाई पर ऐसे, फिर एक फंदा और सीधा बुनेंगे, उस पर हम 2 लपेट लगाएंगे। 1, 2, एक फंदा सीधा बुनेंगे, उस पर हम 2 लपेट लगाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, उस पर हम 2 लपेट लगाएंगे। और एक फंदा सीधा बुनेंगे, उस पर हम 1 लपेट लगाएंगे। पहला फंदा जब हमने बुना, 6ठा फंदा जब हमने यहाँ बुना था उस पर हमने 1 लपेट लगाया, और 7वां फंदा हमने बुना उस पर 2 लपेट लगाए, 8वां फंदा बुना हमने उस पर 2 लपेट लगाए, 9वां फंदा बुना हमने उस पर 2 लपेट लगाए, 10वें फंदे पर हम 1 लपेट लगाएंगे और ये 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे स्टिच को भी सीधा बुनेंगे। ये है बैक साइड है, ये 6 रो है। इस रो को हम बुनेंगे सीधा सीधा ही, दोनों साइड से ये सीधा सीधा ही बुना जाएगा। ये जैसे हमने फंदा बुना और ये जो लपेट लगा हुआ था, इस लपेट को उतारेंगे ऐसे, इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे।
और ये दो लपेट लगाए थे, इन दो लपेट को भी हम ऐसे ही उतार के छोड़ देंगे और उस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। ये दो लपेट भी ऐसे छोड़ करके उस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। ये दो लपेट भी हम ऐसे ही निकालेंगे, इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे और ये एक लपेट वाला भी निकाल करके सीधा बुनेंगे। बाकी के सब फंदे भी हम सीधे बुनेंगे। सिक्स रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिर से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बना करके कंप्लीट करेंगे। मैं आपको ये पूरी रो सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये सेवंथ रो है हमारी। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस रो को भी पूरा सीधा सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे हम। ये हमारी नाइन्थ रोज है, इसको भी हम पूरा सीधा सीधा ही बनाएंगे और अगली भी पूरी सीधी सीधी ही बनाएंगे। मैं आपको ये दो रोज बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हमने ये फोर रोज बना लिए हैं। फोर रोज में हमारी उल्टे उल्टे की दो लाइनें दिखने लगती हैं। ये तीन लाइनें पहली हैं, छह रोज पहले फर्स्ट डिज़ाइन में। अब पैटर्न हम रिपीट कर रहे हैं तो दो रोज उसकी बन चुकी है। हम डिज़ाइन डालेंगे, अब बना लेते हैं। पहला फंदा बुनेंगे हम, उस पर हम सिलाई पर एक लपेट लगाएंगे। दूसरा बुनेंगे, उस पर हम दो लपेट लगाएंगे सिलाई पर। तीसरा बुन करके दो लपेट लगाएंगे। अब चौथा फंदा बुनेंगे, उस पर भी हम दो लपेट लगाएंगे। पांचवा फंदा बुनेंगे तो हम उस पर एक लपेट लगाएंगे। अब हम छह फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, छह फंदे बुने हमने। छठे फंदे पर हम एक लपेट लगाएंगे, छठा फंदा बुनने के बाद। फिर एक फंदा बुनेंगे सातवां, उस पर हम दो लपेट लगाएंगे। आठवां फंदा बुनेंगे, उस पर भी हम दो लपेट लगाएंगे। नवा फंदा बुनेंगे, उस पर भी हम दो लपेट लगाएंगे। दसवां फंदा बुनेंगे, उस पर हम एक लपेट लगाएंगे। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, ऐसे स्टिच भी सीधा बुन देंगे। पहला फंदा बिना बुना, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये लपेट उतार करके ये फंदा भी सीधा बुनेंगे। ये दो लपेट उतारेंगे, ये फंदा भी सीधा बुनेंगे। ये दो लपेट उतार करके फंदा सीधा बुनेंगे। जितने हमने लपेट लगाए हैं उनको हम ऐसे ही उतार देंगे सिलाई से और हम फंदे सीधे बुन देंगे सारे। अभी हम सारे फंदे फिर से डिज़ाइन आ गया है, लपेट उतार करके सीधा बनाएंगे। लपेट ऐसे ही उतारते रहेंगे सिलाई से बाहर और सीधे बुनते रहेंगे फंदे। वो फंदे हमारे लूज हो जाएंगे जो हम लपेट लगा रहे हैं, डिज़ाइन बन जाता है उनसे। लास्ट का स्टिच भी सीधा बुनेंगे। ये रिपीट पैटर्न फिर से स्टार्ट होता है। पहला फंदा बिना बुना, सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन करके कंप्लीट करेंगे। ये है रिपीट पैटर्न की सेकंड रो, इसको भी हम पूरा सीधा सीधा ही बुन करके कंप्लीट करेंगे।
फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन बन करके इतना खूबसूरत आता है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये। लाइट कलर में डालिए, ये डार्क कलर में डालिए, बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को हम लेडीज़ कार्डिगन और गर्ल्स स्वेटर में तो ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को ज़रूर बना ट्राई करना, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।